जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम आप सभी को AMI से जुड़े हुए एक अपडेट देंगे जो फीस के बढ़ोतरी को लेकर के है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कई तरीके का मेंबरशिप देता है, उन सभी की फीस बढ़ गई है और फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि आपको डिस्प्ले पर हम दिखा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए एक बार, कैमरे के द्वारा आपको दिखा देते हैं कि ये फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ध्यान से देख लीजिए, जो FI की है वो 20,000 तक हो गई है, मतलब 7,000 फीस एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, और जो AMI की वो 3,000 से ज़्यादा बढ़ी हुई है, और AMIE की जो बढ़ी हुई है 1,700 रुपये बढ़ी है। इस तरीके कई कई फीस बढ़े हुए हैं। ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके जो चार्टर्ड इंजीनियर का है वो 29,000 रुपये फीस हो गई है, और उसके अलावा जो मेंबरशिप के द्वारा है उनका 5,900 रुपये है। इस तरीके से जो टोटल फीस है ये आपकी सब बढ़ी हुई है, मतलब 7,000 एक्स्ट्रा बढ़ी, टोटल 20,000 हो गया। 3,300 रुपये बढ़ करके आपका 8,260 रुपये हो गया, और AMI का जो है आपका 1,711 रुपये बढ़ करके 5,900 रुपये हो गया। आपका SMI का ही हो गया, आपका ओल्ड है और आपका ये न्यू जो है कि फीस है। इस तरह की आपकी काफ़ी फीस बढ़ गई है, पूरी डिटेल मिलेगी आपको, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि AMI भी हम काफ़ी वीडियो लाते हैं और पहले भी इसके बारे में बताए हुए थे कि मेंबरशिप लेना क्यों जरूरी होता है डिप्लोमा BSc और BTech के लिए, जिनके लिए जरूरी होता है उनके बारे में हम बताया हुआ, बाकी और सबके लिए जिनके लिए जरूरी नहीं उनके बारे में भी पूरी डिटेल हमने 1 साल पहले बनाए हुए थे। तो हमने एक फॉरकास्ट किया था 2 महीने पहले है कि IIM में जो है कि फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, हो सकता है फीस की बढ़ोतरी हो जाए, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया जो अभी रिसेंट में है। ये दोनों वीडियो आप पीछे देख सकते हैं, जो आपको मेरा ओल्ड वीडियो है। अब जिनको जानकारी नहीं है मेंबरशिप क्या होता है उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एक संगठन है जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट देता है, किनके लिए? इंजीनियर्स के लिए, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, साइंटिस्ट के लिए, चार्टर्ड इंजीनियर के लिए, प्रोफेशनल इंजीनियर के लिए, इन सभी के लिए मेंबरशिप सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेने की एलिजिबिलिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कि जो BTech कर रहे हैं वो भी मेंबरशिप ले सकते हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो भी मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर जो कहीं से अलग अलग जैसे भी कोई BSc MSc वो भी ले सकते हैं। इस तरीके क्या है, अलग अलग मेंबरशिप का एलिजिबिलिटी होती है, वो सभी क्या होते हैं लेते हैं जिनको जरूरत रहती है। ठीक है, पूरा डिटेल हमने इस वीडियो में बता रखे हैं, आप यहाँ से जान सकते हैं। खैर, यहाँ पे आज का मुद्दा है फीस की कितनी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ये जो आपका डिस्प्ले आप देख रहे हैं आपका ओल्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका FI, MIE, AMIE और SMIE का मेंबरशिप फी है, ये आपका पुराना है। जो लेटेस्ट में चेंज हुआ है वो आपका यहाँ पर दिया रहा है, डिस्प्ले आप देख सकते हैं, सबकी फीस बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात है चार्टर्ड इंजीनियर फीस क्या है, 29,500 रुपये हो गई है, 29,500 रुपये। ठीक है, आपको जूम आउट करके दिखा देते हैं, आप इसे ब्लॉक पर भी देख सकते हैं। फीस इसकी जो है कि 20,000 रुपये हो गई, FI की, AMI की 8,260 रुपये, और AMI की जो है कि जो BTech के बाद मेंबरशिप लेते हैं वो आपकी 5,900 रुपये। ठीक है, और जो है कि SMI की पहले 1,500 रुपये थी, अब क्या हुआ ये बढ़ के इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी फीस बढ़ गई है जिसके बारे में हमने आपको पहले बता दिए थे। हालांकि जो न्यूज़ है ये आपको कहाँ मिले मुझे बता देना, आपको IIM की वेबसाइट पे जाएंगे आप, पब्लिकेशन पेज पे जो दिखाएंगे आपको, इसमें जाकर के जो अभी रिसेंट में बुलेटिन पर मंथ आती है वो आपका अप्रैल वाले मंथ में दिया हुआ है। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो पूरी डिटेल आपको इस तरीके की मैगजीन मिलेगी। इस मैगजीन में पेज नंबर आप 14 के बाद, पेज नंबर 14 के बाद 15 नंबर पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पूरा PDF सही दिया गया है कि यह जो फीस है ये जो प्रभावशाली कब से, 1 अप्रैल 2022 से है, तो चूंकि न्यूज में अब आई है तो इसलिए मैं आपको भी दिखा दिया। तो इसके बाद के मेंबरशिप बढ़ चुकी है। ठीक है, फीस तो ये है, और कोई जानकारी चाहिए आपको तो IIM की साइट पे आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं डिटेल्स। कोई इंक्वायरी हो तो आप इसी मेल से ले सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, और जो है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, काफ़ी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं, आपके लिए हो सकता है यूजफुल हो। तो इस तरीके का है, तो एक बार आपको फिर और भी दिखा देते हैं कि फीस कितनी की आप बढ़ी हुई है, ताकि आपको रिमाइंड रहे बिल्कुल ठीक से। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, FIE की पहले 12,980 रुपये थी, लास्ट में क्या हो गया 20,000 रुपये के आसपास हो गई। AMI की पहले 5,000 के आसपास थी, अब हो गई टोटल 8,000 के आसपास में। ठीक, और AMI की जो थी 4,189 रुपये थी, 5,900 रुपये हो गए। ठीक, इतने रुपये लगभग इंक्रीज हुआ है। ठीक, SMI जो डिप्लोमा करते हैं, BTech कर रहे हो तो वो लेते हैं 6 साल के लिए, उनकी पहले 1,500 रुपये थी, अब 5,782 रुपये ज़्यादा हो गई है, और जो इंस्टीट्यूशन मेंबर उनकी थोड़ी फीस कम होती है, तो कुल मिला के पहले 1,500 के बजाय बढ़ गई है। चार्टर्ड इंजीनियर की 29,000 रुपये हो गई है, और चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट जो अपग्रेडेशन के बाद लेते हैं उनकी 5,900 रुपये है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं, तो कोई क्वेरी छूट आप IIM की ईमेल ID के द्वारा भी जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।